बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडिक्स नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें सबसे पहले पेंसिलिन आता है। पेंसिलिन जो कि मैं पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं और आपको इसका लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन जो कि डेरिवेटिव ऑफ 7-अमाइनो सेफालोस्पोरिनिक एसिड का है और इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एसेंशियल होता है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में, जिसमें ये 4 जनरेशन में डिवाइड होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन जो है ये ज़्यादा एक्टिविटीज शो करती है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, और जो 4th जनरेशन है ये ज़्यादा एक्टिविटी शो करती है नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए। इस तरह हम ये देख सकते हैं, जिस तरह 1st जनरेशन से हम 4th जनरेशन की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेक्ट्रम इंक्रीज होता जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 1st जनरेशन की। 1st जनरेशन जिसमें सेफाजोलिन और सेफालैक्सिन आता है, इसके निमोनिक्स के लिए मैंने सेफाजोलिन से ZO निकाल के जू ZOO चिड़ियाघर और सेफालैक्सिन से निकाल के LEX लक्स। जिस तरह हम चिड़ियाघर से आते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं लक्स जू लक्स, तो हम ये निमोनिक्स से इजीली याद रखते हैं 1st जनरेशन कौन सी है। अब हम बात करते हैं 2nd जनरेशन की। 2nd जनरेशन जिसमें ड्रग्स आती हैं सेफोक्सिटिन, सेफोटेटिन, सेफामेंडोल, सेफ्रोक्साइम, सी फैक्टर। अब हमने इसकी निमोनिक्स के लिए सेफोक्सिटिन में FOX फोक्स बार निकाल लिया, सेफोटेटिन से TETN टैटिन टैनिंग साइड पे लिख लिया, सेफामेंडोल से मेंडोल साइड पे लिख लिया, सेफ्रोक्साइम से फर FUR फर साइड पे लिख लिया, सी फैक्टर से फैक्टर साइड पे लिख लिया। अब इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा निमोनिक्स का, वो हम बात करते हैं। फोक्स ने टैनिंग करवाई जिसके लिए हमने मेंडोल यूज़ करके उसकी फर फैक्टर मतलब उतार ली। ये निमोनिक याद रख के हम सारी ड्रग्स 2nd जनरेशन की याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd जनरेशन के, जिसमें ड्रग्स आती हैं सेफोटेक्साइम, सेफोपेराजोन, सेफटेजिडाइम, सेफट्राइजोन, सेफिक्साइम। अब इस निमोनिक्स के लिए हमें सेफोटेक्साइम से TAXI बाय साइट पर लिख लिया, सेफोपेराजोन साइट पे लिख लिया, सेफटेजिडाइम TAZI मतलब तेजी साइट पे लिख लिया, सेफट्राइक्सोम से TYRE टायर साइट पे लिख लिया, सेफिक्साइम फिक्स FIS फिक्स साइट पे लिख लिया। अब इसका निमोनिक्स हम कैसे याद रखेंगे, TAXI पैराजोन में थी, मतलब पैराजोन मतलब एरिया, TAXI पैराजोन में थी, तेज़ी से चला रहे थे जिसके साथ टायर बस्ट हो गया, अब हम उसको कर रहे हैं फिक्स। अब हम इस निमोनिक से इजीली याद रख सकते हैं कि 3rd जनरेशन की ड्रग्स कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं 4th जनरेशन की। 4th जनरेशन जिसमें 2 ड्रग्स आ जाती हैं सेफीपाइन और सेफटेरोलाइन। सेफीपाइन से हमने PINE पाइन साइट पे लिख लिया, सेफटेरोलाइन से LINE हमने साइट पे लिख लिया। अब इसका निमोनिक्स हमने कैसे याद रखना है, पाइन ट्री यूजुअली आपने देखे होंगे स्ट्रेट लाइन में ग्रो करते हैं, तो हमने 4th जनरेशन के लिए पाइन लाइन निमोनिक्स बनाया है जिससे आप इजीली 4th जनरेशन याद रख सकते हैं। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें हम यूजुअली ड्रग ओरली दे सकते हैं, बट मोस्टली पेरेंटली ड्रग्स दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के, जिसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है सेफालोस्पोरिन जो विद साइड चेन जो हैं वो एक्सक्रीट होती हैं हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से। सेकंड पॉइंट, मेजरली जो एक्सक्रीशन हो रही होती है वो होती है रीनल एक्सक्रीशन, एक्टिव टब्यूलर सेक्रीशन हो रही होती है। अब हम 3rd बात करें जिसमें 2 ड्रग्स आ जाती हैं सेफोपेराजोन, सेफट्रिक्सोन,
जो कि यूजुअली एक्सक्रीट हो रही होती है बाइल के थ्रू। इनका मेथड डिफरेंट है, ये यूजुअली एमसीक्यूज में आ जाता है, इसलिए इनको याद रखना चाहिए। अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू पेंसिलिन है, वो ही सिमिलर थ्री पॉइंट्स हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट, सेफालोस्पोरिन जो होता है वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और बैक्टीरियल सेल वा सिंथेसिस इनहिबिट करवा देता है। सेकेंड पॉइंट, जो ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन हो रहा होता है उसको इनहिबिट करवा देते हैं। जो थर्ड पॉइंट है उसमें ऑटोलिटिक एंजाइम की एक्टिवेशन करवा देते हैं जिसकी वजह से सेल खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है पेंसिलिन और सेफालोस्पोरिन में, इसलिए जो पेंसिलिनेज एंजाइम होते हैं वो इसके ऊपर एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो बैक्टीरिया अदर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं वो इससे रेजिस्टेंट होते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो आ जाता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अगर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाए उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। या जो थर्ड मेथड है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिनके साथ ये ड्रग्स जाके अटैच होती हैं, अगर उसमें चेंज आ जाए तब भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल यूजेज़ की। क्लिनिकल यूजेस जो कि मुश्किल होते हैं और बच्चों को याद नहीं होते इसलिए इनके नमोनिक्स हैं तो उससे इजीली याद हो जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें दो ड्रग्स आती हैं जिसे हमने पीछे पढ़ा था, जू लक्स, सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन। अगर हम इनके स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो रही होती हैं। ग्राम पॉजिटिव में स्टेफलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं, ये यूजुअली इजी हैं याद करने के लिए, इनका कोई नमोनिक्स वगैरह इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो कि मुश्किल है और नमोनिक्स की ज़रूरत है ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को हम याद करेंगे कीप, के डबल ई पी, कीप से। के से आएगा क्लेप्सेला निमोनी, ई से आएगा ई कोलाई, पी से आया प्रोटियस मरेबुलस। इस नमोनिक्स के थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो एक्टिव होती हैं ग्राम नेगेटिव के, उसके अंदर कीप आता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। मैं एक ये बात भी बताता जाऊँ आपको कि जिस तरह हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाते जाएंगे उस तरह स्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए लेस एक्टिविटी होती जाएगी और जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म उनके लिए मोर एक्टिविटी होती जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके स्पेक्ट्रम की, जिसमें आता है कीप हैन, के डबल ई पी कीप, एच ई एन हैन। कीप जो है वो वही है जो फर्स्ट जनरेशन का था, जिस तरह आ जाता है के से क्लेप्सेला निमोनी, ई से ईकोलाई है, पी से प्रोटियस मरेबुलस है। अब हम बात करते हैं एच ई एन हैन। एच से आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई से आ जाता है एंटेरो बैक्टर और एन से आ जाता है निसेरिया। अब हम इजीली इस निमोनिक्स से याद रख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन ड्रग्स किन किन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज़ होती हैं। अगर अब हम चॉइस ऑफ ड्रग्स की बात करें तो उसमें आती हैं सेफोक्सिटिन, सेफोटैटिन, जो कि बैक्टीरियस फ्रेजाइलस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट आ जाती हैं सेफामेंडोल, सेफ्रोक्साइम, सी फैक्टर। ये थ्री ड्रग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं साइनेसिस के लिए, ईयर्स के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि हम ऊपर पढ़ भी जाते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जिस तरह हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाते जाते हैं तो उस तरह ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेक्ट्रम इंक्रीज होता जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इधर एक और बताता जाऊँ कि जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है ये दोनों जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती हैं, इसलिए अगर कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो मेनिनजाइटिस वगैरह तो हम उसके लिए ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। लेकिन दो ड्रग्स इसकी थर्ड जनरेशन की ऐसी हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, वो हैं सेफापेराजोन, सेफिक्साइम। ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एमसीक्यूज वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, इंपॉर्टेंट है साइड पे लिख लें। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनिजम्स से जिन जिन के ख़िलाफ़ ये ड्रग यूज़ होती हैं। उसमें हमारे पास निमोनिक है कीप हैन पिंस। इस निमोनिक में कीप वही ऑर्गेनिज्म है जो हम फर्स्ट जनरेशन में पढ़ चुके हैं,
HEN हैन वही ऑर्गेनिज्म है जो हम सेकेंड जनरेशन में पढ़ चुके हैं। इधर हम बात करेंगे PINS पिंस की। P से प्रोविडेंशिया, आई से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एन से निसेरिया, एस से सीरेशिया मोन्सेसन। इस नमोनिस के थ्रू हम इजीली याद रख सकते हैं ये ड्रग्स किन किन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ युद्ध होती हैं। अगर अब हम चॉइस ऑफ ड्रग्स की बात करें उसमें आती हैं सेफ्ट्रिक्सोन, सेफोटेक्साइम जो कि पेंसिलिन रेजिस्टेंट नीमोकोकाई के लिए यूज़ हो रही होती हैं, सेफोपेराजोन, सेफ्टेजिडाइम जो कि यूज़ हो रही होती है सूडोमोनास के लिए, सेफ्टिजोक्साइम जो कि यूज़ होता है बैक्टीरियलिस फ्रिजेलिस के लिए, सेफ्ट्रिक्सोन जो कि हम यूज़ करते हैं पेरेंटली, सेफिक्साइम जो कि यूज़ करते हैं ओरली, ये यूज़ होता है गनोरिया के लिए। इधर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ जो कि MCQs के लिए मोस्टली आ जाती है, इसमें है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम देते हैं सेफ्ट्रिक्सोन जो कि उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना हम 10 डे को अमोक्सिसिलिन। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जिसमें दो ड्रग्स आ जाती हैं सेफीपाइम, सेफ्टेरोलाइन। सेफीपाइम जो है उसमें फर्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज़ हो रही होती है और थर्ड जनरेशन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। फर्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, KEE कीप, और थर्ड जनरेशन थे PINS पिंस, इनके खिलाफ यूज़ हो रही होती है। और जो सेफ्टेरोलाइन है वो यूज़ हो रही थी मेथसलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकाई के खिलाफ। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ ये फोर्थ जनरेशन जो है ये बीटा लैक्टमेज स्टेबल है। इधर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ स्फेलोस्पोरिन यूज़ नहीं होती, वो हैं हम मैंने उसका निमोनिक बनाया LAMELAME, L से लिस्टेरिया, A से एटिपिकल माइकोप्लाज्मा, M से मेथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ओरियस और E से एंटेरोकोकाई। ये चार ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम स्फेलोस्पोरिन यूज़ नहीं करते। अब अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें एलर्जी, स्किन रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक शॉक, पेन होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वाली साइड पे, फ्लीबाइटस हो रहा होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन वाली साइड पे। अब हमने याद रखना है कि इंट्रावीनस इंजेक्शन वाली साइड पे क्या हो रहा है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वाली साइड पे क्या हो रहा है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये एक और बात बता दूँ, अगर हम स्फेलोस्पोरिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ दे रहे होते हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। और इसके साथ तीन ड्रग्स ऐसी हैं जो सेफामेंडोल, सेफोपेराजोन और सेफोटेटिन जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये हाइपरप्रोथ्रोम्बिनीमिया भी कर सकता है और डाइसल्फेरिम लाइक रिएक्शन विद एथेनॉल भी ये दोनों टॉक्सिसिटी में आ सकती हैं अगर ये तीन ड्रग्स हों। अब दो तीन पॉइंट्स हैं स्फेलोस्पोरिन की मैं आपको बताता चूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। अगर पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट है तो उसके लिए हम स्फेलोस्पोरिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वही पेशेंट एनाफिलैक्सिस के साथ आया टू पेंसिलिन तो हम स्फेलोस्पोरिन यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आपने याद रखना है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, और लेकिन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ये पहले ये भी बताया है कि एक्सेप्ट सेफापेराजोन और सेफिक्साइम जो ये दो ड्रग्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर थर्ड जनरेशन से बिलोंग करती हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती।